Hey friends, what's up? It's TC here, back with another video, and this time it's 12743 Gudur Vijayawada Intercity Express. So guys, आज की जो हमारी जर्नी है वो गुडूर विजयवाड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में है और हमारी ट्रेन अभी ओंगोले स्टेशन पर खड़ी हुई है, अपनी सिग्नल का वेट कर रही है और देखते हैं यार आज की जर्नी कैसी रहती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं MSTS ओपन रेल्स भी प्ले कर रहा हूँ एंड जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो MSTS की रखते हैं, सो हियर इट इज़। देखते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है यार। अभी तो गाइस हमारी ट्रेन ओंगोले स्टेशन पर खड़ी है, मेन लाइन का सिग्नल हरा है, हमारा जो है लाल है, रेड है, जिसको रेड कहते हैं RED, वो है रेड। और ये जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 12625 जो कि है केरला एक्सप्रेस, वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है इस स्टेशन पर। भाई 12625 केरला एक्सप्रेस ने तो अच्छा खासा हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस को कर दिया है ओवरटेक। और पता नहीं स्टार्टिंग में ये सीन शेख अब्दुल वहाब जी ने क्यों दिखाया है। एसकेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं MSTS प्ले कर रहा हूँ तो यार मैंने सोचा trainsim.com पे जाते हैं और भाई लोगों की एक्टिविटीज़ चेक करते हैं कि क्या क्या नई चीज़ आई हैं। रीपेंट थे बहुत सारे, एक्टिविटीज़ भी थी, बट जब मैंने देखा कि शेख अब्दुल वहाब जी ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई एक्टिविटी अपलोड करी है, पब्लिश करी है, अब तो भाई ठान लिया था कि सबसे पहली एक्टिविटी अब यही प्ले करनी है। एंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आगे का ट्रैक मॉनिटर में सिग्नल दिखाता है रेड और येलो का मिक्सचर। ये भाई लाल और पीला जो सिग्नल होता है ना, ये मिले हुए होते हैं, ये दिखता लाल है बट आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी एक बजा देते हैं हॉर्न आगे जाने के लिए कि भाई पैसेंजर्स को वार्निंग मिल जाए कि ट्रेन जो है चलने वाली है, जो ड्राइवर है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप छूट भी जाएंगे उसे अपनी ट्रेन से मतलब है तो वो आपको छोड़ के जा सकता है। एंड गाइस स्टार्टिंग में एक्चुअली ये ट्रेन चल रही होती है जब हमें ये एक्टिविटी प्ले करने के लिए दी जाती है, तो मेरे को सडनली इमरजेंसी ब्रेक्स भी अप्लाई करने पड़े थे बैक स्पेस की से, ताकि मेरा जो रेड सिग्नल है वो मैं जंप ना कर दूँ, मतलब उसको ब्रेक ना करूँ। और ये भाई हमारा दूसरा सिग्नल भी बच चुका है, और सॉरी सिग्नल क्या दिया यार, सिग्नल कैसे बच जाएगा यार, हॉर्न बजाना था। सो हमारा गाइस सेकेंड हॉर्न भी बच चुका है और अब हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मतलब आगे की देखते हैं कैसी रहती है। लेट्स होप सब कुछ ठीक रहेगा। गाज़ियाबाद का WAP-7 हमें दिया गया है इस ट्रेन को हॉल करने के लिए, 30229 जिसका रोड नंबर है। उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ इंडिया से आया है ये गाज़ियाबाद का WAP-7। कहाँ की ट्रेन हॉल करने के लिए, साउथ इंडिया की, क्या बात है। एंड भाई थ्रॉटल पावर कितनी दे रखी है, 30% कर देते हैं यार, पूरी ट्रेन मेन लाइन पे आ ही जाएगी। 35 की मैक्स स्पीड जैसे कि आप सभी को पता है कि ठीक रहती है इस गेम में ट्रैक चेंज करने के लिए, उस पर ऐसा भी नहीं लगता कि ट्रेन बहुत ही हल्के जा रही है और ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत तेज़ जा रही है, एक नॉर्मल स्पीड वो लगती है कि ट्रैक चेंज हो रहा है अच्छी खासी स्पीड में। एंड सो देखते हैं अब आगे कौन सी क्रॉसिंग होती है। शेख अब्दुल वहाब जी की एक्टिविटी है तो ट्रैफिक डेंसिटी जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी होने वाली है। और ये गाइस हमारी ट्रेन ने स्नेक की तरह इधर उधर करके अपनी ट्रेन बाहर आ चुकी है लूप लाइन से, मेन लाइन को टच कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम थ्रॉटल पावर कर देंगे पूरी 60%, 30 की स्टार्टिंग में दी थी तो अभी रहेगी 60, ताकि थोड़ी बहुत जो है हमारी गाइस ट्रेन जो है स्पीड कवर अप कर ले एटलीस्ट 70-80, उसके बाद जो है मैक्सिमम 100% की थ्रॉटल पावर हम कर सकते हैं। एज गाइस अगर मैं अभी से ही 100% की इसको थ्रॉटल पावर में देता हूँ ट्रेन को तो बहुत वीक स्लिप होगा, जो WAP-7 है वो बहुत एकदम से यार मतलब पावर लगा देगा इस ट्रेन को खींचने के लिए, और वो चीज़ फिर सही भी नहीं है। वैसे यार इंटरसिटी एक्सप्रेस है, लेट्स सी प्रायोरिटी कैसी दी जाती है। अभी तो यार स्टार्टिंग में ही ओवरटेक करवा दिया तो प्रायोरिटी कैसी है ये तो आपने देख ही लिया। और केरला एक्सप्रेस में ओवरटेक करा है, कोई छोटी मोटी ट्रेन ही है केरला एक्सप्रेस, ICF के टाइम की वो बहुत आगे की ट्रेन है, केरला तमिलनाडु और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, इनको आई थिंक काफ़ी वो किया जाता था, जाना जाता था ICF के टाइम पर, मतलब ICF का टाइम यार अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो गया। एंड देखते हैं अभी कौन सा स्टेशन आ रहा है,
चिन्ना गंजम स्टेशन आ रहे हैं। गुड्स ट्रेन हैड बीन टेकन ऑफ द मेन लाइन, क्लियर फॉर 12743 स्टेशन मास्टर चिन्ना गंजम। क्या बात यार, ये नाम आया, अब फीलिंग आ गई साउथ इंडिया में हमारी ट्रेन चल रही है। और भाई ये लोग जो ऐसे स्टंट कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है और लेके जा रहे हैं, बस लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी तो इसमें से क्रॉस भी करेंगे एक लोग। एंड ये आप सभी देख सकते हैं मालगाड़ी जो है लूप लाइन में खड़ी हुई है, चिन्ना गंजम लूप है, नहीं यार तीसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और हम इस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। बाय द वे यार इसको लोकोमोटिव कौन सा मिला होगा, चिन्ना गंजम है यार, चिन्ना गंजम नहीं है, चिन्ना गंजम। वैसे गाइस ये साउथ इंडिया के स्टेशन है, प्लेसेस हैं, तो इनके नेम्स में शायद ठीक से स्पेल ना कर रहा हूँ। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अच्छी खासी स्पीड हमारी ट्रेन मेंटेन कर रही है, तो अभी यार 100% की थ्रॉटल पावर कर देते हैं। वैसे आगे जो है हमें लूप लाइन का इंडिकेट कर रहा है कि आपको लूप लाइन में डाला जा रहा है, आगे कोई लूप लाइन आ रही होगी उसमें कर दिया, जैसे कि आप ट्रैक मॉनिटर में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वो इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड का एरो। और ये कौन सी ट्रेन आ रही है और अप्रोच कर रही है, 12711 पिनाकिनी, पिनाकिनी एक्सप्रेस ने गाइस वैफोर के साथ आई थिंक लालगोड़ा शेड का था क्रॉस कर रही है हमारी इंटरसिटी को। और भाई आगे यार ट्रैक चेंज है, ट्रेन पे फोकस करना चाहिए या क्रॉसिंग पे, चलिए क्रॉसिंग तो ठीक ठाक हो ही गई। बाय बाय पिनाकिनी, पता नहीं कितनी लंबी ट्रेन हो यार तुम, इधर उधर से कोचेस चोरी कर लिए होंगे वैफोर ने और कपल कर लिए। भाई ब्रेक्स लगा लो वरना अच्छी खासी स्पीड में ना ट्रैक चेंज होने वाला है यार। ट्रेन को कुछ समझ ही नहीं रखा है इन लोगों ने। कॉशन ऑर्डर 12743 हैव टू गेट ऑफ द मेन एज 12625 केरला एक्सप्रेस इज इन प्रायोरिटी बिहाइंड यू स्टेशन मास्टर वेतापलेम। सर केरला एक्सप्रेस ने हमें स्टार्टिंग में ही ओवरटेक कर दिया है, तो अब कौन सी केरला एक्सप्रेस हमारे पीछे चल रही है, किसी डुप्लीकेट केरला एक्सप्रेस को चला रहे हो क्या आप हमारे पीछे, और उसके लिए हमने मतलब ब्लू लाइन में डाल दिया। भाई अब ब्रेक्स को रिलीज कर देते हैं बिकॉज 35 की मैक्सिमम स्पीड में मेंटेन करता हूँ। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग में केरला एक्सप्रेस ने ऑलरेडी हमको ओवरटेक कर दिया है ओंगोले स्टेशन पर, बट एक्चुअली में उसको यहाँ पर करना था हमें ओवरटेक, बट स्टार्टिंग में जब केरला आएगी उसका कुछ होगा मतलब स्वैग होगा भाई, तो उसे आगे जाने दिया। अब यहाँ पर तो कोई ओवरटेक होगा नहीं सीन, हम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, हमारे साथ अच्छी गाड़ी ट्रॉलिंग हो जाएगी। पीछे से जितनी भी ट्रेन्स हैं ऐसे हमें ओवरटेक करके जाती रहेंगी कि भाई हम यहीं पे खड़े रह जाएंगे, तो अभी हम ऐसे ही जाने देंगे ट्रेन्स को। जो ये आगे का लाल सिग्नल हो रखा है ये हो चुका है पीला, भाई मुझे पता था ऐसे ट्रॉलिंग बहुत होती है हमारे ओपन रेल्स में, ये हमें ऐसे ही खड़ा करवा देता और कोई ट्रेन आके नहीं रहती, फिर जब 5-6 मिनट हो जाते तब मैं कह देता भाई चलो अब मैं वेट नहीं करना मैं आगे जा रहा हूँ, और फिर पता चलता यार सिग्नल तो हमारे ही थे। तो इसलिए अगर आप ये एक्टिविटी ट्राई आउट करेंगे और स्टार्टिंग में अगर केरला एक्सप्रेस आपको ओवरटेक कर देती है ओंगोले स्टेशन पर, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो स्टेशन है आपको रुकना नहीं है। वाह यार ये अच्छी लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, वरना पीछे वाले तो भाई पता नहीं, लगता है साउथ इंडियन मूवी क्रिएट कर रहे थे वो, बिज़ी होंगे, पता नहीं कौन से डायरेक्टर आए होंगे, उन्होंने कहा भाई शूट तो वैसे बहुत करते हैं बट आज तो रियल लाइफ में करेंगे स्टंट। देखते हैं गाइस अब कौन सी क्रॉसिंग हो सकती है। सो भाई पूरी ट्रेन आ चुकी है मेन लाइन पे, वेब 7 है, स्पीड मिलेगी 50% की थ्रॉटल पावर दे दो, और ये जो भी लेवल क्रॉसिंग बंद है गेटमैन जी आप खोल सकते हैं, ताकि ये भाई जो अच्छे से बिहेव कर रहे थे इधर उधर चले जाएं अपने अपने घर जाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वेब 7 पर, मतलब वेब 7 तो यार अपनी ट्रेन को लेके जाता रहेगा, उसके कैब व्यू में जाके देखते हैं। वैसे कैसे पैसेंजर व्यू है, कैब व्यू नहीं है, मतलब लुक एक तरह से कैब व्यू का है बट पैसेंजर व्यू है ये। और यार वेब 7 की फुट प्लेट करते हैं तो आगे लेके आ जाते हैं कैमरा, मतलब यहाँ से देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा ना। वैसे यार क्या ही अच्छा लगेगा, स्पीड भी हम अपनी ट्रेन को क्या ही देंगे, आगे जाके 1 किलोमीटर के बाद ट्रैक चेंज हो रहा है। चिराला स्टेशन पे गाइस हमारा स्टॉप है, 1.3 किलोमीटर लेफ्ट है,
8:12 का स्टॉप था यार, मतलब वहाँ पे ट्रेन लेके जानी थी। 8:16 तो हमने यहीं कर दिए, देखते हैं कब तक पहुँचती है। और कर्व अभी ले रही है तो थोड़ी बहुत बेल बजा देते हैं, मतलब हॉन्किंग कर देते हैं, क्या पता यार कोई इधर से आ रहा हो कोई उधर से आ रहा हो। वैसे भी भाई ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे बहुत लोग स्टंट करते हैं। आपने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी चेकआउट करी होगी, एक पर्सन यार एक्चुअली मैं गैस सिलेंडर को रख दिया था ट्रैक पर, मतलब वो कोई प्रैंक भी नहीं था, कि मतलब वो कोई क्लिक बेट भी नहीं था कि व्यूअर्स को ऐसे ही दिखा रहे होंगे, मतलब डरा रहे होंगे। वो भाई ने एक्चुअली में एक गैस सिलेंडर को रख दिया था ट्रैक्स पर और वेब सेवर ने उसको हिट करा यार। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, एक गैस सिलेंडर को कोई पर्सन पटरी पर रख रहा है, वो चीज़ देख के यार हैरानी बहुत हुई। अब ज़रा से मैं बस थोड़ी सी और वो वैसा कुछ हो जाता ना सीन, और कितना गंदा सीन होता है यार वो, अगर ट्रेन डीरेल हो जाती। मतलब एक पर्सन ने बस एक कंटेंट के लिए इतने लोगों की जान जो है जोखिम में डाल दी, बट थैंक गॉड बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट मतलब एक्शंस लिए, तो वो जो भी पर्सन यार अपलोड करी थी वीडियो उसको अरेस्ट किया गया था आई थिंक, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए गए थे। अब वो जिसके भी मतलब पर्पस से लिए गए हो, मतलब जिस भी पर्सन की वजह से मिले हो, बहुत अच्छा हुआ यार। और उसको छोड़ते हैं, अभी हमारा चिराला स्टेशन आ चुका है, 7 मीटर पर भी नहीं आया प्लेटफॉर्म। ब्रेक लगा दो वेब सेवन, वरना आप अच्छे खासा सिग्नल ब्रेक करने वाले हो, मुझे अच्छा खासा पता है। रुक जाओ मुन्ना रुक जाओ, अब अपना स्टॉप लो 40 सेकेंड का। सो गाइस हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस अभी 40 सेकेंड्स का स्टॉप लेगी हमारे LHB कोचेस, जो कि पूरे प्लेटफॉर्म को चीरते हुए इसमें घुस चुके हैं। बस ये चीज़ सही है कि कुछ टूटा फूटा नहीं है, वरना पीयूष गोयल जी यार मेरी सैलरी में से कट कर लेते जितना भी इसका वो पड़ता। बट यार मैंने नहीं करा ये प्लेटफॉर्म, मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, मेरी सैलरी से क्यों कट होता भाई। तो चलिए 15 सेकेंड बाकी है अपनी ट्रेन को डिपार्ट होने के लिए, एक हॉर्न बजाएंगे कि भाई बैठ जाओ, फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं ट्रेन के बारे में सोचता हूँ कि वो लेट नहीं होनी चाहिए, वैसे भी वो लेट हो रही है, पूरे 6 मिनट की डीले हो रखी है ट्रेन, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो चलिए दूसरा हॉर्न भी बजाते हैं और थ्रॉटल पावर कर देते हैं इंक्रीज़, 30% की थ्रॉटल पावर देंगे। प्लेटफॉर्म के अंदर ही ट्रेन को यार फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनाना है, अभी डिपार्ट कर रहे हैं तो अच्छे बच्चे की तरह डिपार्ट करेंगे। हमारा गाज़ियाबाद वेब सेवन बहुत अच्छा दिखता है यार, जैसे कहा अमरजीत सिंह फ्लोरा जी का अनरिलीज्ड मॉडल है, ये सिर्फ कुछ पर्संस के साथ शेयर किया गया था। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आगे से कोई ट्रेन भी आ रही है, गुड्स ट्रेन अप्रोच कर रही है किसी वैक सेवन के साथ। यार कौन सा वैक सेवन है, ये लुधियाना का है क्या, लिखा तो यार यही है गुड्स 25G7 लुधियाना। यार ये तो झांसी है, ये तो लुधियाना का वैब सेवन नहीं है, सॉरी वैब सेवन कह दिया वैक सेवन नहीं है। और BCNA रेक लेकर आ रहा है चिराला स्टेशन की मेन लाइन पे एंटर कर रहा है, आगे का सिग्नल इसे मिला है रेड है तो आगे तो ये जा नहीं से रहा। और अभी यार हमारी ट्रेन को भी ज़्यादा थ्रॉटल पावर नहीं देते हैं, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में डिपार्ट कर रही है यार। तो चलिए इसे अब जाने देते हैं, बाय बाय गुड्स ट्रेन, बाय बाय चिराला स्टेशन। थोड़ी बहुत आप पर आते आते हम लेट हो गए, वो तो थोड़ी ट्रॉलिंग हो गई थी हमारे साथ वैतापलेम स्टेशन पर, बट कोई बात नहीं, अगर आगे अच्छा खासा एक्शन रहा तो कवर करेंगे अपनी स्पीड सॉरी टाइमिंग। तो चलिए मेन लाइन पर आ चुकी है ट्रेन, अब हम जाएंगे भाई अच्छी वाली स्पीड में, इंक्रीज़ कर दीजिए थ्रॉटल पावर 60-50 R, वरना फिर व्हील स्लिप भी फेस कर सकते हैं ना। और ट्रेन अभी कर्व ले रही है तो थोड़ी बहुत हॉन्किंग भी करनी सही है। क्या बात है यार, इंटरसिटी एक्सप्रेस आ रही है तो सिग्नल आप देख रहे हैं पूरे ग्रीन मिले हैं।
एंड लेवल क्रॉसिंग भी आ चुकी है, तो इसके लिए भाई थोड़ी और हॉन्किंग करेंगे। भाई मेरे लेवल क्रॉसिंग है क्या है यहाँ पे, ये इतना सारा ट्रैफिक कैसे लग गया यार? भैंस की आँख, वो जो मालगाड़ी आई थी उसने कर दिया यहाँ पर कांड। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पता नहीं यार कौन सी रोड होगी, कहाँ से कहाँ जा रही होगी। भाई हाईवे है क्या, इतना सारा ट्रैफिक। चलिए मालगाड़ी वैसे क्या उसका स्टॉप था आगे, तो यार उसी की वजह से इतना ट्रैफिक लग गया होगा। अब हम जाएंगे तो ये खोल देंगे, गेटमैन जो है गेट है भाई, जल्दी ओपन कर दो, लोगों को घर जाना है, इतने सारे लोग खड़े हो गए लाइन में। भाई गेटमैन गेट ही नहीं ओपन कर रहा लेवल क्रॉसिंग का, मेरे भाई कर दो कर दो। आज नहीं करता भाई वो गेट ओपन, आज तो तुम खड़े रहो, गुस्सा दिला दिया तुमने उसको। वो इतनी लंबी मालगाड़ी देख के उसकी भी खिसक गई होगी कि भाई आज तो मैं नहीं खोलता गेट। चलिए देखते हैं अब क्या क्रॉसिंग हो सकती है, अभी तो यार लेवल क्रॉसिंग आ गई। चलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, यहाँ के गेटमैन को भाई दया आ गई होगी इन व्हीकल्स पर कि हाँ तुसी इधर जाओ और जो इधर वाले हैं वो उधर जाओ, इधर उधर जाओ, बस अपने घर जाओ, स्टंट मत करना। तो चलिए गाइस बहुत स्पीड मेंटेन कर लिया हमारी ट्रेन ने, अब अच्छी वाली स्पीड दे देते हैं इसको, 100% की थ्रॉटल पावर अप कर देते हैं एंड चलते हैं हमारे वेब 7 की इनसाइड व्यू में। यहाँ से थोड़ा व्यू एंजॉय करते हुए जाएंगे। और भाई ये यहाँ पे जो ओहे पोल था यार इतनी नीचे था, वेब 7 तो उसको उखाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकता अभी। एंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 100 की स्पीड है, आई थिंक अब हम वो कर रहे हैं एक्सीड। चलिए हाई स्पीड एक्शन तो देखने के लिए मिला। और अभी गाइस हम स्टुअर्टपुरम स्टेशन भी क्रॉस करेंगे, 22859 पूरी MGR चेन्नई, कोई LHB 5 एक्सप्रेस ट्रेन वेब 1 के साथ क्रॉस कर रही है स्टुअर्टपुरम, और हम भी इस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड पे। भाई 114 की स्पीड मेंटेन कर रही है ट्रेन, रिड्यूस कर लो वेब 7 जी अपनी थोड़ी बहुत स्पीड, आप तो मज़े में ही आ गए यार। वैसे गाइस स्टुअर्टपुरम से एक चीज़ और याद आती है, स्टुअर्ट लिटिल, हाँ वो छोटा सा चूहा जिसकी मूवी थी, गजब यार बचपन में बहुत देखी है। एंड सो चले आगे यार, मेन लाइन का स्टॉप है आई थिंक, चलिए मेन लाइन का स्टॉप है, ये भी अच्छी चीज़ है यार, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके हम जा सकते हैं। 110 की स्पीड लिमिट थी, 115 तक हमारा वेब 7 मज़े में ले गया यार इस ट्रेन को, कोई बात नहीं अब क्या यार हल्की स्पीड में जाना, थोड़ी बहुत तो एक्शन मिलना ही चाहिए ना। शेख अब्दुल वहाब जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये एक्टिविटी बनाकर, बहुत अच्छी एक्टिविटी बनाई है गाइस, मतलब इतना यार इतने से टाइम में इतनी ट्रैफिक डेंसिटी देखने के लिए मिल जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ यार एक्टिविटी कुछ तो है, बस अब ब्रेक्स लगा लो वरना कांड हो जाएगा भाई आगे। 100 की स्पीड में एंट्री कर रहे हैं स्टेशन के अंदर, पातला स्टेशन पर जो पैसेंजर्स खड़े होंगे ना, ओए हो जो उन्हें हवा मिलेगी अभी। वो एक तो डरेंगे भी और उन्हें अच्छी खासी यार धूप भी अच्छी खासी हो रही है, सुबह के 8:24 टाइम हो रहे हैं और ब्रेक्स अभी पूरे तो नहीं लगाने ना भाई, अभी थोड़े इनिशियलाइज कर लो। इनिशियलाइजिंग से गाइस ये होता है कि आपके जो ब्रेक्स होते हैं जितने भी आपने लगाए होते हैं वो सारे हट जाते हैं, बट ब्रेक्स इनिशियलाइज आप तभी करें जब आपके ब्रेक्स जो हैं ऐसे रिलीज़ का आ जाए, क्विक रिलीज़। और भाई अभी मैं स्टॉप ले सकता हूँ, तो चलिए अब हम स्टॉप ले सकते हैं। वेब 7 जी रोक दीजिए वरना आप सिग्नल को जंप करेंगे, मुझे पता है आप बहुत खुराफाती करते हो, अभी पूरी ओवर स्पीडिंग कर दी यार, रोक लो रोक लो रोक लो, पैसेंजर्स को आप बैठने दो। नहीं तो चलिए यहाँ पे अभी 40 सेकेंड्स का स्टॉप है, ट्रेन आई नहीं है कि भाई सिग्नल पहले मिलेगा, ये हमारी ट्रेन्स का स्वैग अच्छा खासा रहता है। चलिए हॉर्न बजा देते हैं, अब आगे जाने, नेक्स्ट स्टॉप है हमारा तेनाली जंक्शन, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, वो भी यार आई थिंक बहुत पास हो सकता है। बाय द वे गाइस ये रूट है साउथ सेंट्रल रेलवेज वर्जन 3, आई थिंक मेड बाय शेख अब्दुल वहाब जी, बहुत ही शानदार रूट है यार ये, अपनी टाइम का ये बहुत खतरनाक रूट था, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, फ्री वे रूट है, www.trainsim.com पर अवेलेबल है। और गार्ड साहब ने भाई क्या सीटी बजाई है जाने के लिए,
यू मैं डिपार्ट नाउ। चलिए वेब सेवन भाई, लेके जाओ इस ट्रेन को अच्छी वाली स्पीड में। मेन लाइन का तुझे स्टॉप मिला था तो अच्छी खासी एक्सेलरेशन अब मुझे देखनी है। तो चलिए 8:26 पर कुछ हमने डिपार्ट करा है, मतलब 15 सेकेंड थे बट जीरो समझ लेते हैं। देखते हैं कैसी एक्सेलरेशन करता है। 50% की थ्रॉटल पावर दिए है यार। 1 मिनट के अंदर 8:27 तक ये क्या स्पीड मेंटेन कर लेगा, मतलब 8:27 और 15 सेकेंड। आगे लेवल क्रॉसिंग भी आई थिंक, नहीं यार नहीं है। चलिए अच्छी है, हम अच्छी वाली स्पीड में डिपार्ट करते हैं ना। चलिए 40 की स्पीड तो मेंटेन करने वाला है हमारा वेब सेवन ये LHB-5 ट्रेन के साथ, और देखते हैं क्या करता है भाई। गाज़ियाबाद वेब सेवन में है भाई दम। क्या लेवल क्रॉसिंग थी, मेरे को दिखी नहीं। और थोड़ा व्यू भी चेंज करते हैं। सो गाइस 8:27:15 तक 1 मिनट में हमारी ट्रेन ने 50 की स्पीड मेंटेन कर ली, 50 किलोमीटर पर आवर की। भाई बहुत होती है यार। और वेब सेवन था 250 की स्पीड मेंटेन कर ली। पता नहीं यार एल्को होता तो कितनी मेंटेन करता, वही 30-40 आई थी। एक्सेलरेशन किंग है यार वेब सेवन। एंड सिग्नल स्टेटस तो अप्रोच दिख रही है, मतलब कोई ट्रेन देखने के लिए मिलेगी क्या। क्या बात है यार, ट्रेन देखने के लिए मिलेगी, ये तो आ भी गई सामने, गजब वाली स्पीड में आ रही है कोई। 12655 नवजीवन एक्सप्रेस विद बड़ोदरा वैफोर। चलिए थोड़ा व्यू चेंज करते हैं और देखते हैं। ऐसे यार ऐसे व्यू चेंज करते रहते हैं तो देखने में भी मज़ा आता है, खेलने में भी मज़ा आता है। हमारा वेब सेवन तो भाई लेके जा रहे ट्रेन को 10 किलोमीटर का स्टॉप है, नहीं यार साढ़े भी नहीं, पूरे 11 किलोमीटर का स्टॉप था अभी यहाँ से। एंड सो चलिए देखते हैं अब कौन सी क्रॉसिंग हो सकती है। अभी कौन सी ट्रेन गई थी, आई थिंक नवजीवन। और थ्रॉटल पावर भाई अब 100 दे देते हैं, वेब सेवन को अच्छी खासी स्पीड में लेके जाएगा। और पता नहीं गाइस कौन सा स्टेशन अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करेगी। मच्छावरम लिखा हुआ आ रहा था यार, भाई ये कहाँ पर हूँ मैं, अपने जनरल बोगी है या सेकंड क्लास है, दोनों सेम ही है यार ना भाई। इधर ट्रैवल नहीं करना मेरे को, इधर जाना है, क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाती है ना इधर। एंड सो गाइस हमारी ट्रेन अभी मच्छावरम स्टेशन को ही क्रॉस कर रही है। और भाई वेब सेवन इस बार यार ओवर स्पीडिंग मत करना ज़्यादा, तुम ना मेरी जॉब की ऐसी की तैसी कराओगे बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब कर देते हैं 45% थ्रॉटल पावर ताकि स्पीड जो है अब मेंटेन होती रहे। 45 भी नहीं, 43%। LHB-5 ट्रेन है यार, 130 की स्पीड में मेंटेन कर ही सकती है अगर एक्सप्रेस या सुपर फास्ट है। बट स्टिल 110 की लिमिट है तो मैक्सिमम यार 115 कर देते हैं, बट अभी तो 111 की स्पीड हमारा वेब सेवन मेंटेन करके चल रहा है। इतनी धूप हो रही है उसे भी अच्छी खासी यार हवा लेने का मन कर रहा होगा। अब गजब यार स्पीड तो गजब वाली मेंटेन कर रहा है, देखते हैं कोई क्रॉसिंग हो जाए बस ऐसी स्पीड पे तो मज़ा आ जाएगा। एंड बाय द वे गाइस आप मेरे को आप सजेस्ट भी करिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी चाहिए, LHB ट्रेन या ICF। एंड राइट नाउ गोइंग टू क्रॉस 57257 तिरुपति काकीनाडा हैड बीन टेकन ऑफ द मेन लाइन क्लियर फॉर 12743। स्टेशन मास्टर नीदू बिरोलू, चलो इसे क्रैक डाउन करते हैं। नीदू बिरोलू भाई यही है नाम, पता नहीं यार क्या था गाइस बट था कुछ ऐसे ही। हिंदी में चेकआउट करते हैं यार, ये क्या है नीदू बिरोलू यार, सिंपल है ये, यू भी कहाँ गया।
सो गाइस, निड्रोलू इस स्टेशन का नेम है और हमारी ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। कोई ककीनाडा टाउन बाउंड ट्रेन थी जो कि लूप लाइन में खड़ी हो रखी है। यार LHB 5 ट्रेन आ रही है, तो कोई अगर ऐसी छोटी मोटी ट्रेन चल रही है तो लूप लाइन में जाना बनता ही है। और हमारा वेब 7 यार खतरनाक वाली स्पीड मेंटेन करके अभी आगे जा रहे हैं। तेनाली जंक्शन हमारा स्टॉप है अगला, जो कि पास में आ रहा है। 5.5 किलोमीटर का स्टॉप है, मतलब 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बाकी है वहाँ पर पहुँचने के लिए। और स्पीड यार वेब 7 जो मेंटेन कर रहा है ना, गजब भाई। कोई क्रॉसिंग आ जाए, मेरे को क्रॉसिंग देखनी है। यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरी ट्रेन अच्छी खासी चल रही है, मैं यहाँ पे आराम से गेम खेल रहा हूँ और ये डॉग को क्या हो गया? ओह, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन जा रही होती है और प्लेटफॉर्म पर अगर कोई छोटा सा प्यारा सा डॉगी हो तो वो कैसे भागता है चलती ट्रेन की तरफ। यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस मेरे को ये ओपन एयर में डॉग मिल जाए तो मैं इसे गायब कर दूँगा। मेरा मतलब प्यार करके कहीं साइड में रख दूँगा, कुछ प्लीज़ ऐसा ऐसा ना सोचें। एंड ये भाई हमारी ट्रेन, क्या बात है यार, स्पीड खतरनाक वाली मेंटेन कर रहा है। जब हमारी ट्रेन कर्व पे जाती है ना, हाई स्पीड पे, मज़ा आ जाता है यार ट्रेन को देखने में। और ये जो स्टेशन है, ये है सुंडुरू स्टेशन। सुंडुरू हाँ भाई, यही है, सुन लिया ना, बस यही है भाई। देखो क्रॉस करने से मतलब है फिर वो जो भी स्टेशन हो। यार क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाए, काफ़ी टाइम हो गया। कौन सी ट्रेन है यार लास्ट टाइम क्रॉस करा था, नवजीवन थी, कौन सी थी? आई थिंक गाइस नवजीवन थी। वैसे ओवरटेक भी सीन मिला था यार देखने के लिए। अभी तो गाइस थ्रॉटल पावर ज़ीरो कर देते हैं बिकॉज वेब 7 अच्छी खासी स्पीड अभी मेंटेन करके जा ही सकता है। तेनाली जंक्शन 2.2 किलोमीटर अभी दिखा रहा है लेफ्ट, और वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। एंड देखते हैं वहाँ तक की जर्नी रह पाती है हमारी या उससे आगे भी जा सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता यार। और हॉन्किंग भी अच्छी खासी कर रहा है यार वेब 7। अब लोको पायलट हम हैं यार, थोड़ी बहुत तो हॉन्किंग करनी पड़ेगी ना। और जहाँ यार हमने सोचा था कि हमारी ट्रेन जो है अच्छा खासा टाइम कवर कर पाएगी, 6 मिनट डिले हुई है, तो नेक्स्ट स्टॉप पे जाते जाते 4 मिनट का डिले हो जाएगा या 3 मिनट का डिले हो जाएगा, यहाँ तो 10 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है। क्या कहने हैं एक्चुअली, अभी तो ब्रेक्स लगाते हैं बिकॉज आगे ट्रैक चेंज है और अच्छी वाली स्पीड में ट्रैक चेंज होने वाला है। एज गाइस काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं MSTS खेल रहा हूँ, तो यार मतलब अभी ना वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पर ब्रेक लगाने चाहिए कि अच्छी खासी स्पीड हमारी वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। स्विच पर जाते जाते 35 किलोमीटर पर आवर हो जाए। आपने पहले देखा होगा जब मैं ब्रेक्स लगाता था तो 35 ही मैक्सिमम पहुँच जाती थी, अभी तो यार 50-40 की मेंटेन हो रही है जब मैं स्विच पे पहुंच रहा हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं चलाई थी ना, अब भाई अब लोको पायलट को बस चलाने के लिए दोगे तो कुछ टाइम यही होगा। सो गाइस हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ने काफ़ी धमाकेदार यार हाई स्पीड रन करा और तेनाली जंक्शन पर अब एंट्री कर रही है। ये कोई ऑयल गुड्स ट्रेन भी अराइव कर रही है मेन लाइन पर विद वैगन 9 ऑफ विच शेड, भाई शेड बता दो, बाकी तो मैं जहाँ जाने चले जाना। लाला गुड़ा शेड। एंड तो चली हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस भी बस प्लेटफॉर्म में एंट्री करने वाली है, पूरा लास्ट कुछ आ जाए। ये जो जनरेटर कार बेचारा अभी बहुत पीछे है, कह रहा है भाई मेरे को भी वहाँ तक जाना है प्लेटफॉर्म में। एंड ये आप देख सकते हैं IRCTC के काउंटर हैं भाई, लिट्टी चोखा भी मिल रहा है यहाँ पर, क्या बात है यार, साउथ इंडिया में बिहार का मज़ा। ओए होए गजब, तो चलिए ब्रेक्स भी लगाते हैं वरना सिग्नल भी टूटेगा, फिर ये नहीं हो पाएगा। ओए होए गजब, फिर तो भाई थोड़े बहुत पॉइंट्स कट हो जाएंगे। तेनाली जंक्शन पर एकदम लास्ट प्लेटफॉर्म में हमारी एंट्री हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 5। मतलब यार कुछ छोड़ी नहीं है,
कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार, इंटरसिटी के मेन लाइन पे स्टॉप दे देते, 40 सेकंड का स्टॉप ही था तो। चलिए फिर से ब्रेक्स करेंगे रिलीज और आगे जाएंगे, एंड लेट्स होप यार कुछ धमाकेदार देखने के लिए मिल जाए। आई मीन क्रॉसिंग बहुत सारी देखने के लिए मिल चुकी हैं, और भी देखने के लिए मिलनी चाहिए। मेरे भाई लोग कुछ कहते हैं कि यार आप फ्रेट रेंज की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, बट थैंक गॉड शेख अब्दुल वहाब जी ने मेरे को स्टार्टिंग में बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन्स की क्रॉसिंग दे दी, तो आप सभी को एक्सप्रेस ट्रेन्स भी देखने के लिए मिल गई होंगी। क्या बात है यार, गार्ड साहब तो खुश हो गए इस बात पर, और जो उन्होंने सीटी बजाई, चलो चलते हैं। अच्छा तेनाली जंक्शन जी हम चलते हैं अब, या फिर कभी आइएगा। नहीं यार अभी नहीं, बाद में आएंगे। यार वेब 7 मूड में लग रहा है मेरे भाई, वो चलने के मूड में लग रहा है और किसी चीज़ के मूड में नहीं है वो। एंड सो सिग्नल यार हमें ही मिले हैं, मेन लाइन से कोई ट्रेन नहीं आ रही है, तो अभी छोड़ देते हैं पूरी हमारी थ्रॉटल पावर ज़ीरो कर देते हैं, वरना 35 के अबव ये लेके जाएगा। अच्छी खासी स्पीड अभी तक मैं मेंटेन कर रहा था यार, अभी इस बार इसने इतनी तेज कैसे कर ली ट्रेन वेब 7 ने, पहले थोड़ी स्लो एक्सलेशन करी थी, इस बार आई थिंक इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ी है भाई, पावर इंक्रीज हो गई क्या। खुश हो गया यार वेब 7 इस बात से कि हमने उसे उसी स्पीड पे चलाया जिस स्पीड पे वो चलना चाहिए। एंड आई थिंक गाइस यहाँ से आगे जब जाते हैं तो लाइंस चेंज हो जाती हैं, ये आप देख सकते हैं, आगे से लेफ्ट हैंड साइड ट्रैक जाती है गुंटूर जंक्शन की तरफ और सीधे जाती है विजयवाड़ा, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एक्चुअली विजयवाड़ा जंक्शन। मेन लाइन पर ट्रेन हमारी आ चुकी है, तो हम स्पीड अब इंक्रीज कर सकते हैं, कर देते हैं थ्रॉटल पावर पूरी 50%, और लेट्स होप यार थोड़ी बहुत जर्नी और थोड़ी कवर हो जाए। अगर ये एक्टिविटी यहीं पर फिनिश हो जाती है इसी वीडियो में तो वेल एंड गुड, और नहीं हो पाती है गाइस तो ट्राई करता हूँ अगर मैं इसका कोई पार्ट 2 लेके आ पाऊँगा। वैसे गाइस इसका पार्ट 2 बहुत छोटा हो जाएगा अगर मैं बनाता हूँ तो। आगे से कोई ट्रेन भी अप्रोच कर रही है, 17479 पूरी तिरुपति एक्सप्रेस, पता नहीं गाइस एक्सप्रेस है या पैसेंजर है, अभी पता चलेगा जब उसके कोचेस देखेंगे, और विजयवाड़ा वैम्फोर के साथ आ रही है। हाँ यार एक्सप्रेस थी, एसी कोच कोई पैसेंजर ट्रेन थोड़ी ना लेके जाएगी। एंड सो चलिए अब कर देते हैं 100% थ्रॉटल पावर और देखते हैं कैसा रन रहता है। यार एक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी रही, शॉर्ट एक्टिविटी है, अगर आपके पास मतलब यार आप काम करके आ रहे हैं या स्कूल से आए हैं, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप ये शॉर्ट एक्टिविटी ट्राई आउट कर सकते हैं। मतलब यार ये गेम को खेलने के बाद थोड़ा पीस भी मिलता है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है, तो आपको एक्टिविटी पॉज करके उसको सेव करने की भी नीड नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 घंटा भी देंगे इस एक्टिविटी को तो फिनिश हो जाएगी। तो चलिए हमारे वेब 7 के कैबिन में चलते हैं और फुट प्लेट से इंजॉय करते हैं, वाइपर तो ये चलेगा नहीं तो ये मेरे थप्पड़ मारने से रहा। और भाई आगे स्टेशन आ रहे हैं दुगीराला यार ये कैसा नाम हुआ, 57277 गुडूर विजयवाड़ा मीमू हैड बीन टेकन ऑफ द मेन लाइन क्लियर फॉर 12743। क्या बात यार इंटरसिटी जा रही है, मतलब प्रायोरिटी तो ठीक ठाक मिली है ट्रेन्स को, ये एक एक करके लूप लाइन में डालते जा रहे हैं। और ये भाई कोई गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है अपोजिट ट्रैक की लूप लाइन में, और ये खड़ी है मीमू ट्रेन, ये हम इसे ओवरटेक कर रहे हैं अच्छी वाली स्पीड में, 109 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है यार गाइस, गाजियाबाद वेब 7 ने लगाई है यार आज, आग लगा दी भाई। चलिए देखते हैं आपको एक क्रॉसिंग होती है या नहीं।
10 किलोमीटर बाकी है यार विजयवाड़ा जंक्शन। अब गाइस 5-6 मिनट में तो यार मैं इसे कवर कर नहीं पाऊंगा पूरा 10 किलोमीटर को जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी एक्टिविटी कवर हो सकती है उतनी कर देते हैं और नेक्स्ट क्रॉसिंग जैसी होती है इस एक्टिविटी को हम एंड कर देंगे। भाई 110 की लिमिट चल रही है आगे, तो मेरे को 110 की लिमिट और क्यों दे रहे हो ट्रैक मॉनिटर? देखनी है तो रिड्यूस करो, रिड्यूस भी कर दोगे तो भी मैं नहीं रुकूंगा, मुझे अच्छी वाली स्पीड में जाना है। क्या बात है यार, आगे ग्रेडियंट है, नीचे जा रही है ट्रैक। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है थोड़ी सी नीचे हो चुकी है, तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर लोको पर ट्रांसफार्मर इज ओवर हीटिंग ड्यू टू कूलर लीक, नो इशूज प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड एट ट्रिप शेड, डू नॉट ड्राइव अबव 80 किलोमीटर टिल विजयवाड़ा। ओके सर, स्पीड रिड्यूस करते हैं। शेख अब्दुल वहाब जी ने बिना ट्रेन में रह के भी यार प्रॉब्लम बता दी कि लोकोमोटिव में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बात है, गजब। और ये स्टेशन का नेम है चिलुबर, चिलुबर पानी में डूब मरो? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वो चिलुबर है या पता नहीं कैसे अभी पता चलेगा, चिलुबर है, हाँ भाई चिलुबर है। तो चलिए अभी तो जैसे कि शेख अब्दुल वहाब जी ने कहा कि 80 की स्पीड आप मेंटेन करके जा सकते हैं तो उतनी ही मेंटेन करेंगे। कौन से थ्रॉटल पावर पर जो हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड है 75 आ सकती है उस थ्रॉटल पावर को हम लॉक कर देंगे, उतनी ही छोड़ देंगे। हाँ भाई 21 ठीक है आई थिंक, जी हाँ 21 की थ्रॉटल पावर हम छोड़ सकते हैं अब अपनी ट्रेन के लिए, एंड देखते हैं अगर आगे कोई क्रॉसिंग होती है क्या। यार रेड सिग्नल दिख रहा है, अभी तक कोई ट्रेन नहीं है और आगे विजयवाड़ा जंक्शन 7.2 किलोमीटर लेफ्ट है। वैसे अगर उससे पहले एक ब्रिज भी आता है वो काफ़ी शानदार है यार इस गेम में ही, उसमें जब हमारी ट्रेन जाती है और जो व्यू होता है इतना शानदार लगता है। मैं तो यार ये सोचता हूँ कि रियल लाइफ में वो ब्रिज का व्यू कितना शानदार होता है, मॉर्निंग में जब वहाँ से ट्रेन क्रॉस करती होंगी जो सनराइज व्यू होगा या सनसेट व्यू मिलता होगा। एंड आई थिंक उस ब्रिज का नेम है कृष्णा ब्रिज, रिवर का नेम है यार कृष्णा रिवर। चलिए वो चीज़ वो ब्रिज और रिवर एडजस्ट कर लेंगे, हम आगे जाके देखते हैं क्या। वैसे तो आगे ट्रैक चेंज भी है, और भाई हॉन्किंग इतनी मत करो, जो लोग अपने बेड लेके खड़े होंगे ना ट्रैक पर पड़े होंगे सो रहे होंगे वो भी उठ के भाग रहे होंगे इतनी हॉन्किंग सुनने के बाद, ये भाई नहीं सोने देगा आज हमको। और ये ट्री हमारी ट्रेन में घुस चुका है, उसे कट करा दो यार। नहीं यार ऐसे मत करो, वैसे ही ऑलरेडी इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं हमारी रियल लाइफ में और वो कितने यार ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं प्लांट करने के लिए, बाकी हाँ भाई जनता याद आ जाती है। एंड सो गाइस स्पीड यार आगे जाके अब रिड्यूस करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इस एक्टिविटी का पार्ट मैं यहीं तक कवर कर सकता था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट क्रॉसिंग पे वीडियो एंड कर देते हैं। और एक्टिविटी भी BCNHL फ्रेट ट्रेन है जो कि अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन को और क्रॉसिंग कर रही है कोई दो लोकोमोटिव के साथ, वैक 5 है आई थिंक, हाँ यार वैक 5 भी लग रहा था, वैक 5 नहीं वैक 5। क्या बात है यार, जब मेरे वीडियो एंड करने का टाइम है पता नहीं मेरी वॉइस को भी क्या हो गया, ठीक टाइम पे यार ऐसा कुछ हुआ है कि आपको मेरी ऐसी वॉइस नहीं सुननी है अब। चलिए कोई बात नहीं, इसका मैं ध्यान रखूँगा, कोई नहीं यार अदरक वाली चाय पी लेंगे या फिर वैसे तुलसी वाली तो सीट ठीक हो जाएगी, अभी तो हमारी ट्रेन पर फोकस करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं इस एक्टिविटी को इतना ही कवर कर सकता था। अगर आपको ये वीडियो और एक्टिविटी पसंद आ जाती है भाई ये मैं बाद में देखता हूँ यार, इधर से रिज्यूम कर देते हैं। अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आती है तो आप trainsim.com पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, शेख अब्दुल वहाब जी ने बनाई है। और वीडियो पसंद आ जाती है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि वो बना पाऊँ। सो टेक केयर एवरीवन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।